मोहित कि अंडे ला के अंदरों एक सादा अहमद तो मैं पैसे नहीं देता पाया पांच अंडे लगे हैं जेने मजेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ जी हैरो आफिस से होंगे। तो आज हम आए हैं जी रंगमहल सूप पीने के लिए। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, बल्कि मेरे साथ मेरी फैमिली है। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ मिलकर सूप पीते हैं और कल आप लोगों को इंशाल्लाह शाही किले की तैयार करवाएंगे। तो जुड़े रहिए फिर आमिर रनी ब्लॉग के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप अभी तक मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आमिर रनी की फैमिली का हिस्सा बन जाए। थैंक यू। लो जी सूप के साथ साथ हाय 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 ठंडा ठंडा कस्टर्ड, फ्रूटी कस्टर्ड। ओए हो हो वाह वाह यम्मी, बहुत ठंडा। क्या नाम है आपका? मसलीम। अच्छा ये क्या बना रहे हैं आप? ये कस्टर्ड है या आइसक्रीम है? ये कस्टर्ड है। अच्छा इसमें क्या आइसक्रीम मिक्स की हुई है आपने? नहीं। ठंडा कैसे करते हैं आप इसको? नीचे बर्फ रखी है। अच्छा बर्फ डाली है। हाँ। उसकी वजह से ये थिक और ठंडा हो गया हुआ है। वैसे मजेदार चीज बनाते हैं आप जी। किस तरह बेचते हैं आप? ये किलो के डब्बों के हिसाब से बेचते हैं। 70 वाला होता है जी, 70 वाला है, 80 वाला है, 70 वाला है, 100 वाला है, 250, 400, 500, मतलब जितने का कोई लेना चाहे मिल सकता है। वैसे किलो के हिसाब से होता है, किलो 500 पे मिलता है। और अगर कोई आम रूटीन पे बनवाना चाहता है ना तो केजी वगैरह के हिसाब से वो 550 है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये आपके पास हम इधर 500 रुपये किलो बेचते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई मेहमान आए आपके पास दूर से तो फिर वो फ्री जो 550 बेचते हैं ना उसके ऊपर काजू बादाम वगैरह खोया वगैरह सब कुछ डाल के देते हैं। ठीक हो गया। और जो 500 वाला उसमें कुछ नहीं लगता? उसका कुछ नहीं डालते, उसके यही आम रूटीन पे जो मेवे वगैरह होते हैं ना वो डाल के देते हैं। चलें ठीक है जी। जी रात के 2:19 हो गए हैं और हम लोग इस वक्त आए हैं जी पुरानी अनारकली लसानी फलूदा शॉप पे और इधर से हम जो है ना रबड़ी वाला दूध पियेंगे इंशाल्लाह। ये आ गया हमारा दूध और दूध के साथ साथ इधर से हमें मिलेगी जी सबज चाय इस वक्त बड़ी मज़े की। मज़ेदार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हदूश हूँ, मैं हदूश नहीं हूँ। जो मेरे साथ भाई आए हुए ना वो हदूश है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ना ना काका तू ये भाजी लोरिए 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 खा पी जाते ने, सारा कुछ खा पी जाते ने। अद्धी रात 3 बजते पे ते लोरिए वेलो कि जुड़े ने खान नू। हुण मैं तुहानू इक बंदा दसा हदूश बंदा, बहुत वड्डा हदूश अविलिया अविलिया वेखो ती पी भी गया जी यार। कुरम भाई मेरे मेरे को नहीं पीती जा रही यार, तुसी पी लो। नहीं नहीं यार तू सारी पी, चाह कोई अद्धी पी लो। ओ यार तू बार बार कह रहे है कोई गल नहीं, तू सारी पी मेरा भरा। एल एल एल
पावा अख्तर लावा हम लोग आए हैं जी यहाँ पर शाही किला की सैर करने के लिए, और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी YouTube की फैमिली को भी जो है ना वो साथ लाया जाए और इनको सैर करवाई जाए। वो मैं तो थक गया हूँ यार, अभी तो इतना ही चढ़ाऊँ मैं ऊपर। तो ये माशाल्लाह जो लड्डू साहब है ना, ये उतर नहीं रहे गोदी से नीचे। जी सबसे पहले जो है वो हास हास बंदे दीवाने हास की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद हम जाएंगे जी शीश महल की तरफ। तो आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपको आज के व्लॉग का मजा आएगा। और अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। ऐसे मेरा छोटा जो स्टार है ना जी, वो भी मेरे साथ साथ जा रहा है, और इस वक्त हम शीश महल वाली पहाड़ी जो है ना वो चढ़ रहे हैं। जी ये मेरे बिल्कुल आप जो पीछे देख रहे हैं इसको बोलते हैं जी शीश महल, और करीब से मैं जाके आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। अगर आप हाथी के रास्ते वाली साइड से ऊपर आएंगे ना तो सबसे पहले जो आता है वो शीश महल ही आएगा। तो ये शीश महल है जी। हिस्ट्री के बारे में मुझे इतना ज़्यादा इलम नहीं है, तो ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारा इसके बारे में मवाद मिल जाएगा। गूगल कर सकते हैं आप कि ये शीश महल क्यों बना था, किसके लिए बना था, कब बना था, ये सारा आप तब उधर से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा सकता हूँ, और इधर कोई मरम्मत वगैरह जो है ना वो हो रही है, तो उसके लिए ये सारे स्काले वगैरह लगे हुए हैं। जी हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी हमारे साथ जो है वो चाचू मौजूद हैं, और चाचू आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा इतना साथ देते हैं इंशाल्लाह। और हमें आपने पिछली दफ़ा भी चाय भी पिलाई थी इंशाल्लाह, उसका भी शुक्रिया। जो हाँ। इस दफ़ा आपने पिलानी है उसका भी शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा रोज रोज भी आपका काम कर सकूं। आए ओए होए होए होए, किसी बादशाह वाली फीलिंग आती है यार इधर आके, क्या बात है।
हाँ जी, तो ये है जी मेरे साथ नोमी। आपको पता है इसकी एक दफा हमने टिंड की थी और आपने उस वीडियो को बहुत ज्यादा जो है ना प्यार मोहब्बत दिया था। मेरी हर वीडियो को प्यार और मोहब्बत दिया करें और व्यूज दिया करें और लव दिया करें। और वो जो जगह ना उधर बादशाह सलामत जो है ना कोटी कहते थे। जी तो प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं शाही किला के बिल्कुल टॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ जी बादशाही मस्जिद का। और ये जी मेन गेट शाही किला का, और मेरे इस साइड पे आपको शीश महल नजर आ रहा है और इस साइड पे आपको नजर आएगा जी दीवाने खास। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है जी, इसको बोलते हैं जी तोपखाना। मतलब इसके अंदर जो भी बारूद वगैरह होता था वो इसके अंदर पड़ा होता है। और यहाँ से आपको मैं मीनारे पाकिस्तान का भी व्यू दिखा सकता हूँ। ये देखें, इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसे जो व्यू है वो शाही किला के किसी ने नहीं दिखाए होंगे जो आपको आमिर डैंडी के चैनल में मिल रहे हैं। वो मेरी हमेशा से दोस्तों यही ख्वाहिश रही है कि मैं आपको मतलब बेहतर से बेहतर चीज़ें दिखाऊं और अच्छे से अच्छे व्यू दिखाऊं, लेकिन क्या करूं यार, बस टाइम नहीं मिल पाता। तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को व्यूज़ दिखाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा जगहें दिखाऊँगा आपको। लेकिन अभी तक आपने मेरा साथ नहीं दिया, पूरा एक साल हो गया मुझे वीडियो बनाते हुए, आप लोग व्यू ही नहीं देते मुझे। तो अगर आप लोग व्यू नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। इधर से रास्ता बंद है, मुझे उस साइड से जाना पड़ेगा। उन्होंने स्पेशल लिख के लगाया होगा दीवार के ऊपर चढ़ना मना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आवाम जो है वो बाज नहीं आती। तो काइंडली आप ख्याल किया करें और जो भी इंस्ट्रक्शन दी हो उसके ऊपर अमल किया करें। ये देखें जी, स्कूल की कोई ट्रिप आई है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आज रश है हर तरफ। मजेदार। हाँ जी चाचू जी, मजेदार ने बेहतरीन। अच्छा जी, मान बेटा एक और आई दुमान, जाने तो इसको है, इसको ना पकड़ना तेरा, जाने जाने जाने। यार मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप आमिर भाई के व्लॉग्स वगैरह को लाइक क्या करें, सब्सक्राइब करें उनके चैनल को, उनकी वीडियोस को शेयर क्या करें। बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हुए हैं मगर उनको छोड़ के व्लॉग बना रहे हैं। इन लोगों के लिए बना रहा हूँ ना, ये भी तो मेरी फैमिली है ना। हाँ जी, तो आपने बच्चे की बात सुनी है जी, तो मेरी बात पे तो आप अमल करते ही हैं, लेकिन बच्चे की बात पे भी अमल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मजीद मजे मजे की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूंगा। बस आपने आगे आगे शेयर करती रहना ठीक है।
हाँ जी, अब हमने वापसी की राह जो है ना वो अख्तियार कर ली है और अब हमने नीचे जाके बस पीनी है चाय, और चाय पीने के बाद घर निकलना है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो देखो ओला, हम पाड़े पाड़े आप वो देखिए, अपनी फीटें छोड़ दो। इस दरवाजे को बाहर से चुड़े मारते थे लेकिन ये टूटता नहीं था। मेरी तो दुनिया बदल गई यार। हैली नुमान इधर, हैली चल भाई गंदा ही कहना पे नाली पा खा लो। जी गाइज, इस वक्त हम लेटे हुए हैं जी बिल्कुल बादशाही मस्जिद की दीवार के साथ। तो इस वक्त बहुत ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि फैमिली साथ ही, इसलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा चीजें दिखा नहीं सका मैं। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने इंजॉय किया होगा जैसे हम लोगों ने किया। तो फिर इसी के साथ अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ और नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।